जा रहा था तो आरएसएस ने कहा कि एक अछूत के द्वारा लिखे गए संविधान को हम नहीं मानेंगे, और आज उसी संविधान का कसम खा करके कुर्सी पे एकदम बैठने के लिए ताबड़तोड़ प्रतियोगिता किए हुए हैं। और संविधान को नहीं मानेंगे, मनुस्मृति इस देश का संविधान है, ये आरएसएस का कहना है। और 1947 के बाद जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हमको हिंदू धर्म के अंदर जो जात पात है उसको खत्म करना है, उसको नस्ते नाबूद करना है, और उसको खत्म करने के लिए, उसको नस्ते नाबूद करने के लिए ये जरूरी है कि हम मनुस्मृति को जलाएंगे। और जब मनुस्मृति को जलाया गया तो ये संघी लोग, उस समय बीजेपी पैदा नहीं हुआ था, इनका पप्पा है वो, तो संघी लोग जो है, संघी लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पुतला जला रहा था। और आज 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी उरन खटोला से गए थे बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। बहुत बढ़िया बात है, अंबेडकर को जलाने से लेकर के अंबेडकर का मूर्ति लगाने वाले, जब तक मनुस्मृति नहीं जलाओगे तब तक नहीं मानेंगे कि तुमको इस देश के संविधान में भरोसा है। चलो छोड़ दिया, देते हैं मनुस्मृति को, कौन पूछ रहा है आजकल मनुस्मृति को, आजकल आरएसएस भी मनुस्मृति की बात नहीं कर रही है, तो देश के संविधान की बात कर लेते हैं। और देश का संविधान क्या कहता है, देश का संविधान कहता है कि भारत की सीमा रहने वाले सभी जाति धर्म संप्रदाय भाषा बोली रंग के लोग, सभी लिंग के लोग इस देश के नागरिक हैं, और इस देश के नागरिकों का तमाम अधिकार समान रखा गया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, ब्राह्मण हो या दलित हो, गोरा हो या काला हो, सबके लिए बराबरी की बात की गई है। जब सबके लिए बराबरी की बात की गई है तो उस बराबरी का हक जब हम मांगते हैं, जब हम कहते हैं कि हमको मनुवाद से आजादी चाहिए, हमको जातिवाद से आजादी चाहिए, जो धार्मिक उन्माद है, जो सांप्रदायिकता है, हमको उससे आजादी चाहिए, समाज के अंदर जो गरीबी लूट और भूख है उससे हमको आजादी चाहिए, और हर एक इंसान को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, महिला हो या पुरुष हो, ब्राह्मण हो या दलित हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको आत्मसम्मान से जीने का हक है, हमको इस आत्मसम्मान की आजादी चाहिए। तो इस बात से आपको पेट में दर्द क्यों होता है? इनको पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि इनको संविधान में भरोसा नहीं है, इसीलिए ये कहते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। भाई, इस देश को तुम इतना हल्का मत समझो। जब तुम अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, तब भी तुम्हारे खाकी चड्डी के भीतर जो भगवा रंग है उसको हमने देख लिया था। और आज भी देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर तुम्हारा बगल बच्चा ध्रुव सक्सेना और उसके बच्चे पाकिस्तान की जासूसी कर रहे हैं उसको हमने देख लिया है। तुम हमको देशभक्त साबित करो ये हम जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन तुम गद्दार हो, कभी अंग्रेजों की के लिए गद्दारी की, आज पाकिस्तान के नाम पे गद्दारी कर रहे हो, ये हम जरूर समझते हैं।